हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, पटवारी लेखपाल का पेपर हो गया है 8 तारीख को। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कितनी रह सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। जिन अभ्यर्थियों को मैं जानता हूँ, कुमाऊं से लेकर दून तक, कुछ कुछ के मुझे मार्क्स भी पता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पेपर दोस्तों पटवारी लेखपाल का कैसा आया था दोस्तों, ये आपने देख लिया है कि किस तरह का पेपर आया था। हिंदी जिस तरह की दोस्तों पूछी जानी चाहिए थी, लेकिन अब हिंदी दोस्तों आयोग ने बिल्कुल आसान पूछ दी वहां पर। बाकी जिन अभ्यर्थियों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो दोस्तों 22 जनवरी को जो है फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है और उसके एडमिट कार्ड 12 तारीख को आने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों मार्च में कनिष्ठाई की परीक्षा है और फरवरी में सहायक लेखाकार की परीक्षा है और मार्च में दोस्तों फिर वीडियो का एग्जाम होने वाला है और उसके अलावा बंदरों का एग्जाम होने वाला है। फिर उसके बाद सचिवालय रक्षक का पेपर होने वाला है। वीडियो का दोस्तों जो रिजल्ट है वो भी दोस्तों मई तक वीडियो का रिजल्ट आ जाएगा, मई तक। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ के बारे में। और बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि आपने भी पेपर दिया था, आपका स्कोर कितना रहा, वो भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों एक छोटी वीडियो होने वाली है। बाकी पेपर आपका जैसा भी रहा है, अब दोस्तों आपने जो है ओमआर भर दिया है, सब कुछ हो गया है, जमा हो गया है, अब दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपने करना था वो दोस्तों आपने कर दिया है। अब दोस्तों आपको आगे देखना है। पेपर आपका जैसा भी हुआ है, जितने भी आपके आ रहे हैं, तो अब दोस्तों आपको आगे को देखना है। तो पदों की संख्या दोस्तों आपको पता है कि 391 पद है पटवारी में, 391 पद है और लेखपाल में दोस्तों जो है 172 पद है। इतने दोस्तों इसमें पद है। अब अलग अलग जनपद दोस्तों अलग अलग पद है, कहीं कम पद है, कहीं ज्यादा पद है। इसमें मेरिट दोस्तों आपकी बनेगी दोस्तों, बनेगी जिलेवारी दोस्तों भर्ती निकली थी और जिलेवारी दोस्तों इसमें मेरिट लगेगी। सबसे पहले दोस्तों कर लेते हैं मेरिट की बात, उसके बाद दोस्तों मैं आपको मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। हालांकि दोस्तों अभी आंसर की नहीं आई है, मुझे भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन में एक दो प्रश्नों में है कि ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी दोस्तों ऑफिशियली आंसर की नहीं आई है। ऑफिशियली दोस्तों जो आंसर की है वो मुझे लगता है कि शनिवार तक आ जाएगी, बाकी आंसर की आई जाएगी, उसके बाद आप मिला लेंगे। लेकिन अभी दोस्तों हालांकि कुमाऊं से लेकर दून तक इतने यूट्यूब वाले हैं, इतने कोचिंग सेंटर हैं, सब कुछ है, लगभग लगभग दोस्तों एक या दो क्वेश्चन का ही अंतर होगा, ज्यादा मेरिट में भी और जो ऑफिशियल आंसर की भी होगी, लगभग लगभग सब कुछ। वैसे कोई विवादित कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, एक दो प्रश्नों में ही है, ज्यादा कुछ है भी नहीं ऐसा। तो मेरिट दोस्तों सभी जनपदों की। अब दोस्तों मैं क्यों ये बताना, दोस्तों कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट इतनी मेरिट रहेगी, इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी दोस्तों, कोई नहीं बता सकता। अब सभी लोग दोस्तों एक अनुमान ही बता सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जर्नल की बात कर लेते हैं, जर्नल की कितनी रह सकती है। अब दोस्तों मैं एक एक जनपद का तो नहीं बता पाऊंगा कि एक एक जनपद में इस जनपद में इतनी रहेगी। जहां दोस्तों आवेदनों की संख्या कम है वहां दोस्तों थोड़ी मेरिट भी कम रह सकती है और वहां पदों की संख्या भी थोड़ी कम है, थोड़ा दोस्तों ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर, नैनीताल है। अब दोस्तों देहरादून में मुझे लगता है जनरल दोस्तों वो 78 से दोस्तों 80 से भी ऊपर रह सकता है, 80 के आसपास दोस्तों रह सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके 80 से ऊपर भी दोस्तों आ रहे हैं। नैनीताल में दोस्तों मैं बात करूं, जैसे मैं पर्सनली जानता हूं जो ओमार होती है दोस्तों वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं, जो तीसरी ओमार घर को मिलती है, बाकी एक तो वहां जमा होती है, बाकी दूसरा वो भी जमा होती है, वो ऑफिस वर्क के लिए होती है, बाकी जो पहली ओमार होती है, जो ओरिजिनल ओमार होती है, वो चेक होती है। तो नैनीताल से भी दोस्तों मैं जिन्हें जानता हूं उनके 86-87 नंबर है उनके लगभग, कि उनको लग रहा है कि एक दो नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, अभी फिलहाल 87 है, बाकी थोड़ा अब नैनीताल से भी इतने नंबर हैं। देहरादून में भी दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनके 80 से ज्यादा हैं, किसी के 86 हैं, किसी के 87 हैं, 84-82 ये भी हैं। तो देहरादून में दोस्तों पदों की संख्या लगभग पटवारी और लेखपाल दोनों को मिलाकर अगर देखें तो लगभग दोस्तों 53-54 कितने पद बन रहे हैं। तो वहां दोस्तों जो मुझे लगता है उस जनपद में लगभग दोस्तों मेरिट 78 से ऊपर ही दोस्तों रहने की उम्मीद है, पूरी पूरी सभी कैटेगरी में भी रह सकती है, हालांकि किसी में कम रहे। अब दोस्तों आप कहेंगे कि जैसे गर्ल्स में कितनी रहेगी, अल्मोड़ा में भी दोस्तों जैसे एक महिला है उनके भी दोस्तों 82-83 नंबर आ रहे हैं, महिलाओं के भी दोस्तों सभी जनपद में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं। जैसे दोस्तों मैं अल्मोड़ा से हूँ आपको बताया, अल्मोड़ा में दोस्तों एक मैं जानता हूँ पर्सनली, उनके दोस्तों 82-83 नंबर आ रहे हैं लगभग, और एक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा नहीं कि दोस्तों महिला है तो नंबर इतने ही रुकेगी कट ऑफ, ऐसा है कि एससी कैटेगरी है तो इतना ही रुकेगा, ऐसा दोस्तों नहीं है। आजकल आपको बताया सभी के पास गांव गांव में सभी जगह नेट चलता है, सभी ठीक ठाक है, सभी को दोस्तों पता है, सभी लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो देहरादून में पढ़ रहे हैं, अल्मोड़ा में पढ़ रहे हैं, हल्द्वानी में पढ़ रहे हैं, हरिद्वार में पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, जो चीजें उनको पता है दोस्तों गांव गांव तक सभी को वो चीजें पता है, सभी के पास दोस्तों सभी सुविधाएं उपलब्ध है आज के समय में। एससी की कट ऑफ भी दोस्तों उतनी कम आप पहले के मुकाबले दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी, लगभग लगभग दोस्तों जनरल से हालांकि 3-4 नंबर नीचे जरूर रह सकती है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एससी वाले भी जनरल की कट ऑफ पार करते हैं, ओबीसी वाले जो सब वो कट ऑफ पार करते हैं, ऐसा नहीं है कि इस कैटेगरी से तो इतनी रहेगी दोस्तों, ऐसा भी बिल्कुल
वर्तमान समय में उसको ये स्थिति फिलहाल नहीं है। तो महिलाओं के भी अच्छे नंबर है, हरिद्वार से अच्छे नंबर है, देहरादून से अच्छे नंबर है, 80 से ऊपर वाले भी हैं, कुछ थोड़ा नीचे वाले भी हैं। तो कट ऑफ दोस्तों जो मुझे लगता है कि जर्नल सभी जनपदों का उस मैं बता रहा हूं, अब एक एक जनपद का उस बता पाना बहुत मुश्किल है। जर्नल दोस्तों जो मुझे जो लगता है 75-76 दोस्तों, लगभग की जर्नल में 75-76 से दोस्तों आप ऊपर है, ऊपर ही है दोस्तों 75-76 तक। तो आप दोस्तों इस दौड़ में है और आपका सिलेक्शन हो सकता है 100% 75-76 से ऊपर, ये दोस्तों जर्नल में ये मैं कह रहा हूँ। बाकी 76 से दोस्तों आप 2-3 नंबर माइनस भी कर सकते हैं सभी जनपदों का दोस्तों बता रहा हूँ। अब बाकी SC ST OBC जो है लगभग दोस्तों आप भी इसके आसपास मान सकते हैं, इससे 1-2 नंबर कम मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं 72 बताऊं 70 बताऊं। अब मैं दोस्तों पहले आपको अपना बताता हूं कि आपके मन में हो रहा होगा कि भाई अपना क्यों नहीं बता रहे हो। दोस्तों ये पेपर है और ये अब हिंदी दोस्तों आयोग ने पूछी थी और हिंदी में दोस्तों ये मैंने लगभग सभी टिक कर रखे हैं, तो हिंदी दोस्तों 20 के 20 ये मेरे सही हैं। और GK में दोस्तों हिंदी में 20 के 20 सही वाले बहुत मिल जाएंगे, पर GK में दोस्तों 40 में से 40 वाला दोस्तों अगर कोई मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में जोर से बता दीजिएगा। GK में दोस्तों 40 में से 40 नहीं है। अब दोस्तों मेरे GK में कितने आ रहे हैं वो मैंने गिने नहीं है। मेरा दोस्तों जो टोटल अभी तक रह रहा है और उत्तराखंड में दोस्तों ठीक ही है, उत्तराखंड में लगभग 35 से थोड़ा ज़्यादा ही है, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन में लग रहा है अभी, बाकी इतने हैं। बाकी GK में पता है मेरी GK पहले से ही कमज़ोर रही है, बाकी रीजनिंग में 1 क्वेश्चन गलत हो गया है और बाकी थोड़ा GK में कुछ अब होता है ना दोस्तों। आपने जैसे ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कौन सा प्रश्न आपने आते हुए गलत किया, वो भी आसान सा। मैं अपना बताता हूँ आपको मैंने कौन सा गलत किया, वो भी जो कि नहीं होना चाहिए था। आपको कि इतना आसान, वो भी इतनी बार हमको ही पढ़ा दिया, आपने कैसे गलत कर दिया, ये आपके मन में जरूर आएगा। मैं आपको बताता हूँ प्रश्न कौन सा था, ये दोस्तों वहां पर गलत हो गया। बाकी जैसे भागीरथी नदी पर टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया था, दोस्तों ये मैं सुंदरलाल भोगुणा करके आया था। ये दोस्तों मैंने क्योंकि जब मैं आपको बताया कि मुझे जब मैं पढ़ाता हूँ या कोई चीज मैटर तैयार करना होता है तो ऐसे मैं बहुत पहले की बात है, आज नहीं 7-8 महीने पहले बात, वीडियो के समय की बात है, उससे भी पहले की है, तो मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था तो सुंदरलाल भोगुणा टिहरी बांध से संबंधित, तो उसमें मैंने सुंदरलाल भोगुणा जी की साइकिल वाली फोटो, बाकी पीछे से भी बहुत से लोग, वो फोटो मुझे याद थी तो उसी अनुसार मैं कराया। बाकी बहुत से अभ्यर्थियों ने अनिल जोशी किया है, कई अभ्यर्थियों ने राजेंद्र सिंह किया है। राजेंद्र सिंह को दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जल पुरुष कहा जाता है भारत का, और इनका संबंध जो है राजस्थान से, तो बहुत से अभ्यर्थियों ने यह किया था, खैर तो मेरा सही हो गया था। और बाकी ये पलायन आयोग वाला दोस्तों ये करंट अफेयर का था, कई बार हमने देखा ही था इसे, बाकी ये ठीक ही था। एक दोस्तों जो आसान सा गलत हुआ है, और जो दोस्तों उससे पहले जो 200 क्वेश्चन वाली क्लास दी थी उससे दोस्तों 3 प्रश्न आए हुए थे। एक दोस्तों ये बजट वाला आया था, भारत सरकार से राजस्व अनुदान, जो दोस्तों उससे पहले पेपर से पहले जो 200 प्रश्नों की क्लास दी थी उसमें दोस्तों 3 प्रश्न आए हुए थे, 3 प्रश्न, ये आपने देखा होगा। मेरा दोस्तों ये वाला प्रश्न गलत हुआ है, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है। अब दोस्तों आप कहोगे आप भी अल्मोड़ा से ही हो, ये प्रश्न कैसे गलत कर दिया, अब हो जाता है। आप भी दोस्तों बताइएगा कि आपने कौन सा प्रश्न ऐसा था बिल्कुल आसान था वो गलत हो गया, फिर पता चला गोला भरने के बाद अरे क्या भर दिया, फिर 2 गोले भरे तो फिर कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा एक भर दिया था, एक ही क्या करें, फिर उसके बाद लग गया था वो समझ ही नहीं आया, मतलब कुछ ऐसा ही हो गया, क्या बताओ। दोस्तों ये मेरा गलत हो गया, बाकी ठीक ही रहा है और ऐसा कुछ था भी नहीं। बाकी ये मनेरी भाली बिल्कुल आसान है, जनजाति असम, अब पंचायती राज दोस्तों सभी मैंने आपको कराए थे एक ही टॉपिक से एक ही जगह से, धनाधन प्रश्न 3 प्रश्न, अब नगर निगम की संख्या ठीक ही था। बाकी दोस्तों जो कुल मेरा स्कोर दोस्तों अभी तक हो रहा है वो दोस्तों हो रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों मेरा जो स्कोर हो रहा है ये दोस्तों हो रहा है 81 के आसपास हो रहा है। हो सकता है दोस्तों 1-2 नंबर ऊपर चले जाए, हो सकता है 1-2 नंबर नीचे आ जाए, मेरे दोस्तों 81 दोस्तों अभी तक आ रहे हैं, एक पॉइंट में भी हो सकता है थोड़ा, क्योंकि ऑफिशियली दोस्तों आंसर की नहीं आई है ये दोस्तों, मैं भी जैसे मैंने भी खुद आंसर की बनाई, आपने भी उससे मिलाया और आपने दूसरों को देखा यूट्यूब पर, उन्हें जो बताई कुमाऊं से लेकर दून तक उसके अनुसार आपने भी मिलाया होगा, कुछ क्वेश्चनों में आपको भी होगा। दोस्तों मेरा जो स्कोर है वो 81 के आसपास है, इतना ही है, कुल मिला के दोस्तों 80 के आसपास मैं रहूंगा आंसर की जब आ भी जाएगी, तो हो सकता है थोड़ा 82 पहुंच जाऊं, थोड़ा ऊपर पहुंच जाऊं, हो सकता है थोड़ा हल्का नीचे भी हो सकता है। दोस्तों इतना मेरा स्कोर है और मेरा दोस्तों जो जनपद है मैंने दोस्तों भर रखा है कहां से, चंपावत से। दोस्तों मैंने भर रखा है चंपावत जनपद से, मैंने ये भरा था क्योंकि जिले वाइज भर्ती थी। अब आप कहोगे कि आपने अल्मोड़ा जनपद से हो, हम सभी आपको अल्मोड़ा जनपद के नाम से जानते हैं कि शिखर भाई अल्मोड़ा से हैं, तो अब दोस्तों ये है कि मैं अल्मोड़ा में बाहरी आक्रमण ज्यादा हो रहा था तो मैंने दोस्तों चंपावत से भर दिया, क्योंकि जो दिनेश सर है मैंने उनसे भी पूछा, बाकी मेरे मन में था कि मैं अब ऐसे बने भर दिया था, क्योंकि दोस्तों जो मेरी शुरुआत की पढ़ाई हुई है 1 से लेकर 5 तक वो चंपावत से हुई है, बाकी मेरा
नैनीहाल भी वही है, बाकी जो लोहा घाट में जो कॉलेज है वहीं से मैंने शुरुआत में, जैसे कॉलेज मेरा वहीं से हुआ है, बाकी उसके बाद अल्मोड़ा आ गया था मैं, तो वहां से मैंने भर रखा है। और चंपावत से लगभग इतने दोस्तों मेरे नंबर है अभी तक। दोस्तों चंपावत से भी इतने अभ्यर्थी मिल गए हैं दोस्तों, लगभग की 5-6 अभ्यर्थी मिल गए जिनके की 80 के आसपास, 80 से थोड़ा ऊपर नंबर है। एक दोस्तों आप जैसे मुझे गिन सकते हैं, बाकी और भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उनके भी दोस्तों खुद ही मेरे सामने आंसर की मिलाई, तो उनके भी लगभग इतने ही है। तो देखिए दोस्तों, एक छोटा जनपद होने के बावजूद इतने नंबर दोस्तों आ रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं दोस्तों कि चंपावत की मेरिट 72 ही जाएगी, 70 ही जाएगी, या इतनी जाएगी, या बागेश्वर कम है? बागेश्वर में बहुत से अभ्यर्थी हैं कि जिनके ठीक ठाक नंबर हैं, 80 से ऊपर हैं, 79 आ रहे हैं किसी के, किसी के 81 आ रहे हैं, किसी के 83 आ रहे हैं। बाकी देहरादून, उधम सिंह, नैनीताल, यहाँ तो दोस्तों 80 से नीचे सोचना ही नहीं है, यहाँ दोस्तों ये हकीकत बात है दोस्तों, इतने नंबर आ रहे हैं। पेपर दोस्तों ऐसा था कि 70 नंबर सभी के आ सकते थे, अब दोस्तों 70 मेरिट इस स्थिति में रहेगी जब दोस्तों इसमें लगभग की 2000 पद होंगे या ज्यादा ही पद होंगे, तब दोस्तों मुझे लगता है कि तब 70 पे मेरिट रुक सकती है, वरना 2000 पदों में दोस्तों रुकेगी नहीं रुकेगी वो भी मुश्किल लगता है। वरना दोस्तों ये अब आपको पता है जिले वाइज भर्ती है, सब कुछ है, मुझे नहीं लगता दोस्तों 70 पर किसी भी कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। बाकी हो सकता है किसी भी जनपद में, किसी किसी जनपद में हो सकता है, वहां थोड़ा किसी कैटेगरी में कम रह सकता है। एक दोस्तों एक्स सर्विस मैन है, उन्हें मैं जानता हूं, उनके भी 73 नंबर आ रहे हैं। लगातार दोस्तों सभी अभ्यर्थियों का टच बना हुआ है पढ़ाई में, क्योंकि दोस्तों बैक टू बैक हमारे एग्जाम है और लंबे समय से दोस्तों ये 2000 क्या ही दोस्तों मौके अभ्यर्थियों का स्कोर कम हो रहा है। दोस्तों आप निराश मत होइए, आने वाला एग्जाम है आपके सामने, खाली दोस्तों आप जैसे आप देखिए पटवारी का पेपर आपका 70 से माना कम हो गया है, थोड़ा हो गया है, 2-4 दिन दोस्तों आप अपना हर्जा करेंगे, सोचते रहेंगे यार कम हो गया, ये वो कैसे क्या, इससे अच्छा दोस्तों बेहतर होगा कि ज्यादा फिलहाल भूल जाइए, आने वाला एग्जाम है, वीडियो है, कनिष्ठाइक है, और सभी दोस्तों हैं, दरोगा है, समीक्षा अधिकारी है, अपर पीसीएल, लोअर पीसीएल, जो चाहे दोस्तों आप चाहे तो, बहुत से अभ्यर्थी दोस्तों ऐसे होंगे, मैं कई अभ्यर्थी को जानता हूं कुमाऊं से लेकर दून तक, कि उनका 3-3, 4-4, 5-5 जगह भी सिलेक्शन हो सकता है ये जो भर्तियों की बाढ़ आई हुई है इसमें। बहुत से अभ्यर्थी आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, बाकी आपको बताए इतने सारे अभ्यर्थी चैनल से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी वीडियो थी और इसमें मैंने लगभग कट ऑफ का बता दिया। अब दोस्तों मैं एक एक जनपद का नहीं बता सकता कि इस जनपद में इतनी रहेगी, टिहरी से इतनी रहेगी, पौड़ी से इतनी रहेगी, बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनके दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि 76 से दोस्तों आसपास रह सकती है मेरिट, 76 से प्लस माइनस दोस्तों थोड़ा 1-2 नंबर आप कम कर सकते हैं, बाकी जो एससी कैटेगरी है थोड़ा 2-3, 3-4 नंबर और आप कम कर सकते हैं, एसटी है तो थोड़ा लगभग इसके आसपास 70 से ऊपर दोस्तों, कुल मिलाकर दोस्तों 72-74 से ऊपर ही आपकी एक कट ऑफ जो है रह सकती है पटवारी लेखपाल में। तो आपको दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करना है। फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों अब ज्यादा तो आपको क्या करना है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ते रहिए। आए दोस्तों जैसे इसमें करंट अफेयर कम पूछा है, रीजनिंग कम पूछी है, अगला पेपर दोस्तों जो हो सकता है, हो सकता है आयोग ने जैसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछे कंप्यूटर के, हो सकता है उसमें 5 क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है दोस्तों आयोग ऐसा पूछ दे। इस बार दोस्तों जैसे अभी हिंदी का फिलहाल ठीक ही था, अगली बार हिंदी में कुछ बदलाव देखने को मिले, अब दोस्तों ये समझ नहीं सकते। तो आपको जो भी सिलेबस है वो आपको अपना पूरा पढ़ना है। आपने दोस्तों आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, अकबर, बाबर, मध्यकालीन भारत दोस्तों सब आपने रट दिया होगा, लेकिन प्रश्न देखिए, हालांकि दोस्तों संविधान से ठीक ठाक प्रश्न बने थे, विश्व भूगोल से भी कुछ खास नहीं था, आपने वो भी पढ़ा होगा, वो भी आपका अच्छा होगा। तो आने वाले एग्जाम में दोस्तों हो सकता है कि वहां से प्रश्न बन जाए। तो पढ़ाई दोस्तों कभी भी बेकार नहीं जाती है, जो आपने पढ़ा है। अब दोस्तों जो एक प्रश्न था कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, वो दोस्तों जब मैं छोटा था मैंने कभी पढ़ा था, वो याद तो था नहीं, तो वो आ गया तो हो गया सही हो। तो आप दोस्तों कभी भी पढ़े रहे तो जरूर से दोस्तों एग्जाम आता है, पढ़ाई दोस्तों आपकी बर्बाद नहीं जाती है, इतने सारे एग्जाम है। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि 76 के आसपास उसको, 75 के आसपास उसको जनरल वाले अभ्यर्थी अपने को सेफ समझे। छोटी दिलासा दोस्तों मैं आपको अब नहीं दे सकता हूं, क्यों, आने वाले एग्जाम है, उनकी आप तैयारी करें, और भी एग्जाम है। इतना दोस्तों तय है कि अगर आप लगातार बने रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, हो ना हो, दोस्तों मैं भी अगर अपनी बात बताऊं, मैं ये दोस्तों मेरा जहां तक मैंने गिना है, ये दोस्तों मेरा जो पटवारी का एग्जाम था 54वां एग्जाम था, सब कुछ मिलाकर जैसे दोस्तों मैं आर्मी भर्ती में गया, SSC, रेलवे, NDA सब दोस्तों मैंने एग्जाम दिए, कितनी बार ITBP की भर्ती, पता नहीं दोस्तों बहुत कुछ किया, वो दोस्तों आप एक ही साल में भी दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मैं सारे देता था, वो आप 54 एग्जाम दोस्तों 1-2 साल में भी आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अब तो खैर मैंने वाले एग्जाम बंद कर दिए, और इस साल भी दोस्तों जुलाई में मैंने जो CISF हेड कांस्टेबल है 32 कितने पद है उसमें 432 पद थे, तो वो भी दोस्तों मैं फिजिकल देने हरिद्वार गया था इस जुलाई में, जुलाई 2022 में। तो यही दोस्तों अब बाकी होगा नहीं होगा, अब दोस्तों ज्यादा मैंने भी क्योंकि लगातार करते गया, अगर दोस्तों मैं ये और एग्जाम नहीं देता तो दोस्तों मैं यूट्यूब पर आज कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि यही कुछ मैंने सीखा, NDA का पेपर दिया, CDS दिया, अब दोस्तों जो भी हुआ, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था, खाली ये था कि मैं पेपर देता था, पेपर जरूर देता था, होटल में नौकरी की,
मतलब अब क्या ही बताऊं, खैर वो बाद में बताऊंगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे पद पर, तब दोस्तों मैं अपनी पूरी कहानी बताऊंगा। बाकी अपनी तरफ से दोस्तों मैं जितना आपके लिए कर सकता हूं, जो मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराता हूं या जो भी दोस्तों आपके लिए मैं इंपोर्टेंट क्लास लेकर आता हूं, तो जरूर से दोस्तों मैं ये आगे भी कंटिन्यू करते रहूंगा अभी भी और जॉब में जाने के बाद भी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, सेलेक्शन होने के बाद दोस्तों फिर मैं आपका इंटरव्यू भी लेने वाला हूं आप सभी का लगभग पहले तो जैसे दून तो खैर मैं आते रहता हूं, तो दून में भी बहुत सारे अभ्यर्थी मिल जाएंगे सारे जो गढ़वाल से हैं। अब एक एक जनपद दोस्तों जाना मुश्किल है, लेकिन कुमाऊं दोस्तों जहां अल्मोड़ा में रहता हूं, बाकी लोहाघाट, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ ये तो अपने आसपास के जिले हैं, बाकी नैनीताल अपना ही हुआ यहीं पर और बाकी उधम सिंह नगर भी आसपास ही हुआ, तो बाकी दून और हरिद्वार ये मैं आते रहता हूं। बाकी आने वाले समय में गढ़वाल मुझे पूरा घूमने का शौक है,